शिक्षा विभाग यूनियन पंजाब की तरफ से रोस मार्च निकाला गया और ये रोस मार्च नेचर पार्क से लेकर मेन बाजार से होते हुए बस स्टैंड तक गया। बता दें कि ये रोस मार्च करमचंद चंडियाला की अगुवाई में निकाला गया था। इस विरोध प्रदर्शन तथा रैली का मेन मकसद केंद्र सरकार के कृषि विरोधी कानूनों को लेकर था। मेन चौक पर मोदी का पुतला फूंका गया तथा जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मोगा से भजन लाल की रिपोर्ट, लाइव भारत। आज इंटक दे नाल संबंधित मिड डे मील कुक यूनियन दे वर्करां ने भारी गिनती दे विच आ के किसान विरोधी कानूनों नूं वापस लैण दी मंग लै के मोदी सरकार दा अज पुतला साड़िया। मोदी सरकार दे घड़े भन्ने हैगे है और मोदी सरकार नूं इस गल की चेतावनी दिती हैगी है कि वो किसानां दे विरोधी जिहड़े हैगे कानून है उन्हां नूं तुरंत जिहड़ा रद्द करे, देश दे विच माहौल ठीक करे। जिहड़े दिल्ली दे विच लखां दी तादाद दे विच किसान अपने घरां तों बाहर आ के ठंड दे विच जिहड़ी है उत्थे बैठे हैगे है वो आपदे घर परतन और किसानां दा जिहड़ा अंदोलन है वो अज एक जन अंदोलन बन गया हैगा, वो सारे देश दा अंदोलन बन गया हैगा वै। और जिहड़ी सरकार है वो 135 करोड़ लोगों की सरकार है। अज मोदी नूं चंद कारपोरेट घरानियां की गल नहीं सुननी चाहिए गी जिन्होंने उन्हों प्रधानमंत्री बनाया 135 करोड़ लोगों ने उन्हों की गल सुन के किसान विरोधी जोड़े कानून है वो वापस लवे। मिड डे मील वर्कर ने जो इंटरिंग संबंधित है उन्होंने अज अपने सूबा प्रधान करमचंद चंडालिया जी और प्रदेश इंटक के जनरल सकत्र दविंदर सिंह जौड़ा की अगवाई दे नेचर पार्क के रोस रैली विशाल की हैगी है और शहर के मुख्य बाजारों भी जोड़ा है रोस मार्च की हैगी है। और अज इतने फ्लाईओवर के थले जोगिंदर सिंह चौंक के आके मोदी सरकार का पुतला साड़िया, मोदी सरकार के जोड़े है घड़े भन्ने। बे औलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर, गर्भ दा ना ठहरना जिहियां बीमारियां दा शर्ती इलाज। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।